दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अश्वगंधा एक ऐसा झाड़ीदार पौधा है जिससे कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ये तो आप जानते ही हैं कि अश्वगंधा का प्रयोग आयुर्वेद में जड़ी बूटियां बनाने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा में थायराइड, त्वचा संबंधी रोग, शरीर की दुर्बलता इत्यादि को दूर किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अश्वगंधा के अधिक प्रयोग के नुकसान भी हो सकते हैं? जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ठीक वैसे ही अश्वगंधा के फायदे अनेक हैं, लेकिन अश्वगंधा के अतिरिक्त प्रभाव भी कम नहीं हैं। तो आइए अश्वगंधा के प्रयोग से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस पर बात करते हैं। ऐसा कई लोगों का अनुभव है कि अश्वगंधा का सेवन करने के बाद उन्हें हर समय नींद आती है। हालांकि विशेषज्ञों का इस बाबत कहना है कि जो लोग लगातार अश्वगंधा का लंबे समय तक सेवन करते हैं उनको फिर इसका सेवन करने के बाद नींद नहीं आती। शुरुआत में अश्वगंधा का सेवन थोड़ा सा कष्ट देने वाला होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप इसकी खुराक शुरुआत के कुछ दिनों में रात को सोने से पहले लें या फिर ऐसे समय में लें जब आप दिन में कुछ देर सो सकें। पेट संबंधी समस्याएं। अश्वगंधा की पत्तियों का सेवन करने वाले लोगों को पेट संबंधी समस्याएं होने की आशंका बनी रहती है। दरअसल अश्वगंधा की पत्तियों का सेवन करने से गैस बनने लगती है। अधिक मात्रा में अश्वगंधा के सेवन से दस्त और उल्टियां हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को अल्सर की समस्या है उन्हें खाली पेट या फिर केवल अश्वगंधा का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से निजात पाने के लिए अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप पर अन्य दवाएं बेअसर हो सकती हैं? ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से अन्य दवाओं के बारे में अच्छी तरह से बातचीत करके ही दवाओं का सेवन करना चाहिए। शरीर के विपरीत रिएक्शन। यदि आप सूजन कम करने, गठिया के रोग को दूर करने, अर्थराइटिस इत्यादि रोगों से लड़ने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ऐसी स्थिति में अश्वगंधा का सेवन बंद कर देना चाहिए। दरअसल अश्वगंधा के नियमित सेवन से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है जिससे शरीर के विपरीत काम करना शुरू कर देती है। शारीरिक तापमान का बढ़ना। अश्वगंधा का सेवन करने से कुछ लोगों का शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, नतीजा बुखार तक पहुंच सकता है। यदि आपको अश्वगंधा के रोजाना सेवन से शरीर के तापमान में बढ़ोतरी दिखाई देती है तो आपको तुरंत इसका सेवन बंद कर देना चाहिए, अन्यथा आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और बुखार की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा मधुमेह के रोगियों, पाचन संबंधी बीमारियों से परेशान व्यक्ति, अल्सर पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अश्वगंधा के सेवन से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसीलिए भी मना किया जाता है ताकि उनके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना हो। आपको अश्वगंधा के सेवन और इस्तेमाल से पहले अपने चिकित्सक से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि अश्वगंधा का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।